सभी लोगों का इस वीडियो में वेलकम है। आज के टॉपिक्स हैं एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। इन दोनों के जो मीनिंग्स है सेम है कि डेथ ऑफ सेल इज नोन एज एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। बट जो दोनों के प्रोसेस है की क्रिया डेथ होने की वह चेंज है। हर एक सेल की एक टाइम पीरियड होती है कि इतने समय बाद हर एक सेल यह डेथ कर जाएगी। ठीक है गाइस, हम जानेंगे व्हाट इज एपोप्टोसिस। जो एपोप्टोसिस है यह एक नेचुरल प्रोसेस क्रिया है। इस क्रिया में सेल की डेथ होती है। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ सेल डेथ। यानी कि इस सेल जो होती है इसमें एक तरह से नेचुरल प्रोसेस है एपोप्टोसिस, इनमें सेल की डेथ होती है। ओके, हम जानेंगे अब नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में मीन्स क्या होता है। इट इज ए एक्सीडेंटल प्रोसेस और इंजरी। यानी कि जो नेक्रोसिस है इसमें क्या होता है, इसमें सेल को कोई बाहरी चोट लग जाए तब भी सेल की डेथ होती है, सुन लेंगे नेक्रोसिस। या कहीं से कोई बाहर से कोई प्रेशर डाल दे, जैसे कोई इंजरी हो जाए, कहीं कट जाए, उसे बोलेंगे नेक्रोसिस। ठीक है गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।